हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अमित तिवारी और इंग्लिश टीचर. स्टूडेंट्स, वी वर डिस्कसिंग द स्टोरी ऑफ रंगाज मैरिज एंड इन प्रीवियस वीडियो वी हैव सीन दैट रंगा हैज़ रिटर्न फ्रॉम विलेज आफ्टर 6 months फ्रॉम बेंगलोर एंड पीपल ऑफ द विलेज हैज गैदर्ड इन हिज हाउस एंड दे वॉन्टेड टू सी वेदर रंगा हैज चेंज्ड आर नॉट. मीनवाइल द नैरेटर ऑफ द स्टोरी सॉ रंगा एंड स्टार्टेड आस्किंग his well-being. Ranga showed a deep sense of respect and impressed by this, the narrator of the story started praising Ranga. One fine day, Ranga visited the narrator's house and let us see what happened next. I must draw your attention to this aspect of Ranga's character. He knew when it would be to his advantage to talk to someone and rightly assessed people's worth. मैं आप सबका ध्यान रंगा के उस कैरेक्टर की ओर दिलाना चाहता हूँ जिसमें कि वो ये जानता है कि कब किस व्यक्ति से बात करना लाभकारी होगा और वो लोगों का सही मूल्यांकन, सही इवैल्यूएशन भी बड़े ही आसानी से कर लेता है. एज फार एज हिज नमस्कारा टू मी, ही डिड नॉट डू इट लाइक एनी present day boy with his hands up towards the sun, standing stiff like a pole without joints, jerking his body as if it was either a wand or a walking stick. और जहाँ तक रंगा के नमस्कार करने का सवाल है, उसने आजकल के लड़कों की तरह बिल्कुल भी मुझे नमस्कार नहीं किया. जैसा कि आजकल के लड़के बिना झुके अपना सिर सूरज की तरफ किए हुए, ऐसा महसूस होता है कि एक खंभा खड़ा है और घुटनों में जॉइंट्स नाम की कोई चीज़ ही नहीं है. यानी कि आजकल के लड़के बिना झुके, बिना आंखों में आंखें डाले, बिना सामने देखे जो है नमस्कार करते हैं, जो कि बिल्कुल भी एक अच्छे बच्चे के संस्कार जैसा नहीं है. रंगा में इस तरीके की बात बिल्कुल भी नहीं थी. रंगा ने अपने संस्कारों को नहीं छोड़ा था. उसके अंदर आज भी वही संस्कार थे जो 6 महीने पहले हुआ करते थे. बाकायदा उसने झुककर बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ मुझे नमस्कार किया, ऐसा नैरेटर बताता है. नॉट डिड ही मियरली फोल्ड हिज हैंड्स, ही बेंट लो टू टच माई फीट. मे यू गेट मैरिड सून, आई सेड ब्लेसिंग हिम. आफ्टर एक्सचेंजिंग अ फ्यू प्लेजेंट्रीज आई लेफ्ट. सिर्फ उसने अपने हाथ ही नहीं जोड़े, वो मेरे पैरों की तरफ झुका और झुक के बड़े ही आदर से मेरा नमस्कार किया और मैंने आशीर्वाद के रूप में कहा कि जल्द ही उसका विवाह हो जाए. और इस तरीके से कुछ हंसी खुशी की बातें आपस में करने के बाद मैं वहाँ से चला गया. दैट आफ्टरनून व्हेन आई वाज रेस्टिंग, रंगा केम टू माय हाउस विद अ कपल ऑफ ऑरेंज इन हिज हैंड. और उस दोपहरी जब मैं आराम कर रहा था, रंगा अपने हाथों में 2 संतरे लिए हुए मेरे घर पे आया. ए जेनरस, अ कंसिडरेट फेलो, इट वुड बी अ फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, सेटल डाउन एंड बी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी, आई थॉट. कितना उदार, सहृदय और विचारों से भरा हुआ लड़का था. कितनी अच्छी बात होगी यदि इसका विवाह हो जाए और विवाह होने के बाद सोसाइटी से संबंधित जो भी उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको वो पूरा कर सके. फॉर अ वाइल वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट, देन आई केम टू द पॉइंट. रंगप्पा, व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड. कुछ देर इधर उधर की बातें करते हुए मैं सीधे मुद्दे पर आया. मैंने रंगप्पा से पूछा, रंगप्पा तुम शादी करने का प्लान कब कर रहे हो. आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, ही सेड. उसने कहा, मैं अभी विवाह के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा हूँ. वाई नॉट, क्यों नहीं. आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल. आई नो एन ऑफिसर हु गॉट मैरिड ओनली 6 months अगो, हैज अबाउट 30 एंड हिज वाइफ इज 25. आई एम टोल्ड दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर. लेट से आई मैरिड अ वेरी यंग गर्ल, सी मे टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव एज वर्ड्स स्पोकन इन एंगर. Recently, a troupe in Bangalore staged the play Shakuntala,
देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंत फॉलिंग इन लव विद शकुंतला इफ सी वॉज यंग लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड इज देयर वॉट वुड हैव हैपन टू कालिदास प्ले इफ वन गेट्स मैरिड इट शुड बी टू अ गर्ल हु इज मैच्योर अदरवाइज वन शुड रिमेन अ बैचलर दैट्स वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ. रंगप्पा अब नैरेटर के सवालों का जवाब देता है. वह कहता है कि मुझे एक सही लड़की तलाशनी है. कुछ दिन पहले मैं एक अधिकारी से मिला था. मैं उसको जानता हूँ. उसकी शादी 6 महीने पहले ही हुई थी. उसने मुझे बताया कि वह लगभग 30 साल का है और उसकी वाइफ 25 साल की है. वे एक दूसरे से प्यार भरी बातें करने में सक्षम हैं. दोनों मैच्योर हैं. दोनों की एज लगभग समान है और एक दूसरे के थॉट्स को एक दूसरे के विचारों को आसानी से समझ लेते हैं. अब रंगप्पा फिर नैरेटर से कहता है कि मान लो अगर मैं एक छोटी लड़की से विवाह कर भी लेता हूँ तो शायद वो मेरी बातों को समझ न सके. अगर मैं उसे प्यार से बोलूँ और मेरे शब्दों को वो नाराज़गी समझ ले. पिछले ही दिनों जब मैं बेंगलोर में था तो कुछ नाटक करने वाले लोगों ने, नाट्य मंडली ने, शकुंतला नाम के नाटक को प्ले किया था स्टेज पे. तो मानो अगर शकुंतला छोटी होती, जैसा कि आजकल की जो ब्राइड्स होती हैं, तो क्या आप कह सकते हो कि दुष्यंत उससे प्यार कर पाता? ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं था. अगर शकुंतला छोटी होती तो फिर कालिदास क्या इस तरह की नाटक की रचना कर पाता? फिर अपनी बातों को कंक्लूड करते हुए रंगप्पा कहता है कि यदि किसी भी लड़के को शादी करना हो तो उसे एक ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए जो कि मैच्योर हो, जो कि उसके एज की हो, जो कि उसके फीलिंग्स को, उसकी बातों को समझने में सक्षम हो. अदरवाइज़ उस लड़के को बैचलर ही रहना चाहिए, उसे शादी नहीं करना चाहिए. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ फॉर टुडे एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल ट्राई टू कवर अप द रेस्ट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी. टिल देन हैव अ गुड डे.